हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 12वें कैंटो में असल में कलयुग की परिस्थिति का वर्णन करा गया है और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को काफ़ी कुछ वर्णन बता रहे हैं कि कलयुग में क्या परिस्थिति रहने वाली है, जिसमें से एक चीज़ बड़े महत्व की है कि कली काल में जीव की परिस्थिति, जो भी ये काम क्रोध या लोभ है, वो जो एक जीव आत्मा को सता रहा है, वो कई 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 गुना अधिक बढ़ जाएगा। जिस प्रकार मानो कोई जीव आत्मा काम के वशीभूत हो रही है, तो वो कलयुग का प्रभाव के कारण हो रही है। ये सुखदेव गोस्वामी महाराज जी महाराज परीक्षित को कैंटो 12 चैप्टर 3, जो कि भूमि गीता है, उसके अंदर में स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जीव ऐसा हो जाएगा कि जबकि तीनों लोके के स्वामी और महान देवी देवता तक श्री भगवान श्री कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड को सम्मान और रिस्पेक्ट देते हैं, परंतु कली काल का ये बद्ध जीव कलयुग के अधीन होकर के इस प्रकार का हो जाएगा कि वो भगवान का स्मरण तक नहीं करेगा। और यही कारण से वो एक बड़े ही कठोर अवस्था में, यहाँ पे श्लोक क्रमांक 44, कैंटो 12 चैप्टर 3 श्लोक टेक्स्ट नंबर 44 में सुखदेव गोस्वामी महाराज जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं, यदि वो जीव आत्मा, यदि वो इंसान मृत्यु के शैया पे भी लेटा हुआ है, अपने मृत्यु में ना उसके मुख से आवाज निकल रही है, ना वो कुछ बोल पा रहा है, वो सिर्फ हिचकिचा रहा है और फिर कुछ कुछ हो नहीं पा रहा है उससे, वैसे परिस्थिति में भी वे केवल केवल मात्र यदि हरि का नाम ले ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का स्मरण तक करे अपने हृदय के अंदर में, या फिर भगवान श्री नारायण हरि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण मात्र कर ले अपने हृदय के अंदर में, तो वो इस सारे भव बंधन से पार हो सकता है। ऐसा स्पष्ट रूप से कैंटो नंबर 12 श्रीमद् भागवतम चैप्टर 13 श्लोका टेक्स्ट नंबर 44 में सुखदेव गोस्वामी महाराज जी स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे कठोर से कठोर परिस्थिति में भी यदि श्री भगवान का स्मरण किया जाए, तो कितना ही पाप क्यों ना उसने अर्जित कर रखा हो, उसके आगे के श्लोक में 46 टेक्स्ट नंबर 46 में ये स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, यदि वे पर्सन कितना ही पाप इकट्ठा क्यों ना कर लिया हो, तब भी वे बड़े ही सरलता से मुक्त हो जाएगा यदि वे श्री भगवान भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग करे। तो टेक्स्ट नंबर 46 में सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ये भी बता रहे हैं कि यदि कोई जीवात्मा, यदि कोई जीव सदा भगवान श्री हरि के ग्लोरिफिकेशन में लग जाए, उनमें ही ध्यान करे, उनकी ही पूजा करे और उनके भक्तों के संग में रहे और भगवान का अत्यंत प्रेम में विनम्र भाव से हृदय में उनका स्मरण करते हुए उनका सम्मान करे और उनको अपने हृदय में स्थापित कर ले, तो इस प्रकार से भगवान उसके हजारों हजारों लाखों लाखों जन्मों के भी पाप क्षण मात्र में नष्ट कर देंगे और उसे तुरंत तुरंत अपना अपना श्री कमल चरणों का आश्रय प्रदान करेंगे। सो ये साक्षात स्टेटमेंट है, आप डेफिनेटली इसे पढ़ लीजिएगा, श्रीमद् भागवतम ये वाला किताब है, कैंटो नंबर 12 चैप्टर नंबर 3 श्लोक क्रमांक 44 से आई विल रेकमेंड 46 47 भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक स्वर्ण को जब अग्नि में तपाया जाता है, तो उसकी जो भी गंदगी या जो भी उसका जो डिसकलरेशन हुआ रहता है, वो सारा हट करके उसका ओरिजिनल कलर आ जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय को साफ कर देते हैं और हमारे मन को भी, यदि हम उनके श्री कमल चरण में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं में ध्यान अपना लगा दे तो, और हमारा जिंदगी उन्हीं के सेवा में समर्पित कर दे तो। सो यही एक छोटा सा बड़ा ही
प्रैक्टिकल प्रूफ, क्योंकि इसी सेम कैंटो के अंदर में अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो महान चाणक्य जी और चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि जिन्होंने पूरे पृथ्वी पे से ये जो अभी अव्यभिचार और जो गलत राज्य था जो कि हो रहा था, धनानंद इत्यादि जो मगध में थे उस समय पे राजा, तो उसके बारे में भी भविष्यवाणी स्वयं सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने चाणक्य जी के बारे में इसी कैंटो 12 के अंदर करी है। तो आप डेफिनेटली इसको पढ़िए और ये श्लोक अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि ये महान भक्त के वचन है और भक्त के वचन कभी कभी झूठे नहीं जाते। इसलिए सदा भगवान श्री हरि का ही स्मरण कीजिए, सदा उन्हीं की ही सेवा करिए, उनके प्यारे भक्तों का संग प्राप्त कीजिए, और इसी प्रकार से मानव जीवन का ये जो हमें मिला है बड़ा ही अनमोल रत्न मानव जीवन, लाख चौरासी योनि फिर कर फिर मानव तन में लौट आए, तो जो कहते हैं ना बड़ा ही कीमती मानव जीवन है, इसका उद्धार करिए और अपने भगवान से दूर ना रहिए, उनके श्री कमल चरणों में जाए, क्योंकि हम ये देह है और ये देह हमें ये काम क्रोध लोभ हमें इतना ज़्यादा आसक्त कर देता है कि हम ये मानने लग जाते हैं कि हम ये जो स्थूल शरीर है यही हम है, जबकि वास्तविकता में हमें स्थूल शरीर बिल्कुल भी नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा का स्वरूप पवित्र है, क्योंकि वो स्वयं भगवान का अंश है और वह यहाँ की नहीं है, हम यहाँ के नहीं हैं, हम उस परम धाम भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम के हैं, और वहीं पे लौटना हमारा इस मानव जीवन का अंतिम और परम लक्ष्य बन जाता है। तो अवश्य आप पढ़िए श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 चैप्टर 3 श्लोका नंबर 44 से 46 47 भी आप पढ़ सकते हो और आगे भी, और आप अपने इस मानव जीवन का उद्धार करिए। मथुरेश हरिदास, हरे कृष्णा।